नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। शाहजहांपुर के घंटाघर में बड़े मंगलवार के मौके पर आज कर्म संस्था द्वारा विशाल शरबत वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर केडी सिंह ने बताया कि उनकी संस्था सन 1999 से समाज सेवा के कार्यों को करती आ रही है। भीषण गर्मी के दिनों में जेठ के बड़े मंगलवार को उनकी संस्था द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। शरबत वितरण कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में राहगीरों को प्रसाद ग्रहण कराया। कार्यक्रम को सफल बनाने में कर्म संस्था के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये कर्म एक संस्था है हमारी। ये ज्येष्ठ माह जो हमारा हिंदी के हिसाब से है, उसमें जो बड़े मंगलवार होते हैं उनमें ये कार्यक्रम हर मंगलवार पर होता है। तो पिछले मंगलवार पे हम लोगों ने टाउन हॉल पे कार्यक्रम किया था, इस बार यहाँ घंटाघर पे शरबत वितरण है। और 23 तारीख को जो मंगलवार है उसमें भंडारा, बृहद भंडारा होगा आयोजन बस अड्डे पे, रोडवेज बस स्टैंड के पास। सिद्धार्थनगर जिले में गहमा गहमी के बाद नगर निकाय चुनाव संपन्न हो गया है। ऐसे में नगर पंचायत इटावा से कांग्रेस प्रत्याशी नादिर सलमान को भाजपा के विकास जायसवाल ने शिकस्त दी है। वहीं हार के बाद आज नादिर सलाम ने इटावा में अपने समर्थकों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के नेता जिला अध्यक्ष काजी सोहेल अहमद शामिल हुए। हार के बाद मीडिया के सामने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। ऐसा नहीं है, पूरी कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस के सभी नेता डॉक्टर नादिर सलाम के साथ थे और उसकी समीक्षा की जा रही है। अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो इन लोगों ने ऐसा किया होगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेरी जानकारी में पूरी इटवा की कांग्रेस, चाहे नगर पंचायत क्षेत्र की कांग्रेस के हमारे साथी रहे हों, चाहे विधानसभा स्तर के, सब पूरी ईमानदारी से कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ की लड़ाई लड़ता रहा आज तक, वो काम मैं करता रहूंगा और विपक्ष का रोल हम बखूबी अदा करेंगे। आज भले ही कोई अध्यक्ष बन गया हो तो हम किसी तरह से अपने नगर के लोगों पर किसी प्रकार का जुल्म ज्यादति नहीं होने देंगे। जिस तरह अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम उनका कार्य अभी देखेंगे, उनकी कार्यशैली देखेंगे, हम कुछ महीने तक, 6 महीने तक वेट कर सकते हैं। अगर उनकी कार्यशैली सही नहीं रही, उनका काम सही नहीं रहा। सुल्तानपुर के जिला चिकित्सालय पुरुष एवं महिला के स्वास्थ्य कर्मियों को 2 माह से वेतन न मिलने से कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। बर्दाश्त की सीमा पार होने के बाद सभी कर्मचारी सुबह से ही धरने पर बैठे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में समावेश होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का वेतन चिकित्सा शिक्षा विभाग से आना है। वेतन मार्च अप्रैल का न मिलने के कारण कर्मचारी भुखमरी की कगार पर आ गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें धरने का सहारा लेना पड़ा। वहीं कर्मचारियों ने कहा कि मजबूर होकर हम लोगों को हड़ताल पर जाना पड़ा। यही नहीं, हम लोगों ने कार बहिष्कार भी किया। अस्पताल में 2 घंटे का लगातार बहिष्कार रहेगा। यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे का निर्णय लिया जाएगा। कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं मिला है और ये अधिकारी जो है बस केवल आश्वासन ही आश्वासन दे रहे हैं, इसलिए हम लोगों को मजबूर होकर के हड़ताल पर जाना पड़ा। हड़ताल नहीं, कार्य बहिष्कार किए हैं, कार्य बहिष्कार किए हैं, 2 घंटे का कार्य बहिष्कार। अगर तब भी नहीं पूरा होगा तब हम लोग आगे कुछ रणनीति बनाएंगे, उस पर जो है सोचेंगे क्या करना है आगे हमको। अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें कि नायब तहसीलदार की बुलेरो से टेम्पो टक्कर में मारी है, जिससे के टेम्पो के सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना छरा क्षेत्र के काजगंज स्थित गुलरिया नगला का पूरा मामला है ये। हादसे के बाद टेम्पो में सवार सवारियों में चीख पुकार मच गई। वहीं राहगीरों ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। भर्ती लोगों में से 2 की हालत नाजुक के होते चलते जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। औरैया में गोद भराई कार्यक्रम से लौट रहे बाइक सवारों को पिकअप ने टक्कर मार दी है। बताते चलें कि बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को पुलिस एवं एम्बुलेंस की मदद से शैया जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित कर दिया। वहीं 1 की गंभीर हालत देखते हुए सफाई में मेडिकल कॉलेज के रेफर कर दिया गया।
औरैया जिले के दिव्यापुर थाना क्षेत्र के सहायल रोड की घटना है। ये दिव्यापुर क्षेत्र के सहायल रोड में रात्रि के समय पे पिकअप और बाइक से टक्कर हुई थी, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। तत्काल सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचा था और एम्बुलेंस भी पहुंची थी। तीनों को जो है सौसैया अस्पताल लाया गया था, जिसमें डॉक्टरों द्वारा 2 लोगों को ब्रॉड डेड घोषित किया गया था और जो गंभीर रूप से एक जो घायल था उसको तत्काल जो है सफाई में रिफर किया गया था। जो मृतक है उनका पंचनामे की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर में 82 वर्षीय ओमवती हत्याकांड का महज 6 घंटे के अंतर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि ये हत्या शराब के लिए पैसे जुटाने के लिए गांव के ही नशेड़ी ने गला दबाकर हत्या की थी। हत्याकांड को अंजाम देकर मृतका के कुंडल और मोबाइल लूट कर आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी के पास से कई कीमती सामान बरामद किया है। फरीदाबाद के बाटा चौक स्थित एक कंपनी की छत पर पड़े सामान में अचानक आग लग गई, जिसके चलते कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों में भगदड़ मच गई और आनन फानन में स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस घटना पर पुलिस अधिकारी ने बताया कि किसी भी प्रकार के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। यह कंपनी आपके सामने इसमें आग लगी छत पर और मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ गई थी, पुलिस की गाड़ियां आ गई थी, काबू कर लिया मौके पर। किस चीज की कंपनी है, क्या बनता था ये? इसमें लेदर वेदर बनता बताया कुछ। कब सूचना मिली थी कि आग लगी हुई? सूचना इसमें आधा घंटा पहले मिली होगी, तुरंत टाइम पा गए थे। गाजियाबाद में एक फौजी की नाबालिग बेटी ने आत्महत्या का मामला सामने आया है। आत्महत्या के पीछे के कारणों को सुन देंगे तो आप चौंक जाएंगे। बता दें कि आत्महत्या के बाद परिजनों ने आरोप लगाया है कि एक विशेष समुदाय का नाबालिग लड़के ने नाबालिग के साथ रेप किया और उसके बाद उसकी अश्लील वीडियो बना ली, जिसको लेकर वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इसके बाद नाबालिग इसका प्रेशर झेल नहीं पाई और उसने सुसाइड कर लिया। प्राप्त हुई जिसमें 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा ने पंखे से लटक के खुदकुशी कर ली थी। पुलिस ने तुरंत ही घटना का संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंच के बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया। उसे घर वालों से तहरीर लेके सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया। उसमें जो अभियुक्त था उसको अभिरक्षा में लेके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई में एक सड़क हादसा हो गया। ये हादसा इतना भयानक था कि इस सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताते चलें कि तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। वहीं एक ही गांव में एक साथ हुई 3 मौतों से मातम का माहौल है और मृतकों के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। प्रयागराज फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सराय लिली उर्फ खोजापुर में बंद कैमरे में लैब टेक्नीशियन की धारदार हथियार से हुई निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। बता दें कि युवक हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्य करता था। ड्यूटी करने के बाद घर लौटा, उसके बाद से वो बाहर नहीं निकला। लोगों को शक हुआ तो देखा गया उसकी किसी ने धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी थी। वहीं परिजनों को सूचित कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्राप्त हुई है, ये थाना फूलपुर है, इसमें खोजापुर गांव है। यहाँ पे राजकीय पशु चिकित्सालय परिसर है, सरकारी आवास है। यहाँ पे एक लैब टेक्नीशियन है जो कॉल्विन अस्पताल में कार्यरत थे, इनका नाम बबुलीराम जाटव है। इनकी यहाँ पे जो है हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, किसी धारदार हथियार से प्रतीत हो रहा है कि वार किया गया है। कि यहाँ पे आवास में अकेले रहते हैं, इनका परिवार यहाँ पे साथ नहीं रहता है, इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और इनकी जो पत्नी है उनका देहांत पहले ही हो चुका है, 6-7 साल पहले। रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के जगतपुर बीच कोरा गांव में एक शादी समारोह के दौरान मारपीट हो गई। इस दौरान कई लोगों को चोटें भी आई हैं, जिसके बाद कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। किसी तरह बारातियों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी, मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं पुलिस कार्यक्रम में विघ्न डालने वाले लोगों को तलाश कर रही है।
निवासी के रहने वाले हैं। यहाँ रात में मारपीट हुई, जो बचाने गए थे उसमें हमको भी जो मारपीट हमको भी पड़ी है। लोग गांव के लोग हैं हमारे, हमको मारे हैं। कौन था? एक दो तीन लोग, रोहित था एक और दो चार लोग और अंकित, ये दो चार लोग थे। शाहजहाँपुर में बीती रात शादी समारोह की खुशियां गमगीन हो गईं। पूरी घटना के बारे में बात करें तो बारात में आए 3 वर्षीय मासूम को पिकअप वाहन ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस घटना में प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पिकअप चालक अजीजगंज का रहने वाला है, जिसके विरुद्ध प्राथमिकता दर्ज कर ली गई है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।